इधर लंच पूरी वहाँ से आओगे वहाँ क्यों आप वहाँ के हैं और कर्नाटक में हमारा मैन ऐसा है कि हमारे कोठारी जी जो राजस्थान की पहले की वो परिस्थितियाँ थी जो काफ़ी पिछड़ा हुआ था, व्यापार नहीं था, तो यहाँ के लोग पलायन कर अलग अलग राज्यों में देश विदेश में गए। वहाँ इन्होंने अपना बिजनेस स्थापित किया। हमारे कोठारी परिवार भी उसी का एक अंग है। वहाँ जाकर इन्होंने वहाँ के राज्य के लोगों को भी रोजगार दिया और वहाँ की गवर्नमेंट को भी टैक्स के रूप में पैसा दिया ताकि वहाँ का डेवलपमेंट भी हो। और आज अप्रवासी राजस्थानी की हैसियत से इन्होंने अपनी मातृभूमि को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान में इनके 200 के लगभग शुभम द इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो खोली है उसका शुभारंभ राजस्थान में भी पहली शॉप है। अब ये धीरे धीरे राजस्थान और अपने पैतृक जन्मभूमि में भी ये काम करने आए, तो हम इनका स्वागत करते हैं। मैं इसी के हमारे भाई चेतन जी को भूमि विकास बैंक के चेयरमैन थे पहले, उनके वो भी रायपुर साडा सेक्टर से हैं, उनकी जगह को उन्हीं ने मेरा इनका परिचय करवाया। उनके माध्यम से ही मैं आज यहाँ आया तो देखा कि इन्हें बहुत अच्छा काम किया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इनका स्वास्थ्य सही रहे, इनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। जो चर्चा हमारे हुई कभी CSR में जैसा जन्मभूमि को सब याद करते हैं, तो भीटा के हैं डोडखेड़ा भीटा, तो ये जरूर वहाँ पर भी जैसा राजस्थान पर ध्यान दिया वैसे धीरे धीरे अपने पैतृक भूमि का भी ध्यान रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा चले सेंट्रल, अच्छा एक अच्छी क्वालिटी है यहाँ पे, हर कंपनी की बेस्ट क्वालिटी कोठारी जी ने यहाँ लाकर यहाँ के लोगों को उपलब्ध करवाई। यहाँ के लोगों को आसानी और रहेगी, तो अच्छा सेंटर खोला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए हम भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो हम नेटिव है यहाँ का, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा गांव है भीटा, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और अराउंड 27 साल पहले हम मैसूर कर्नाटक जाके बिजनेस एक्सपेंशन किया है, और ये करते करते पूरे भारत में किया है। और फिर पूरे भारत में कर रहे हैं तो हमारे पैतृक गांव में क्यों नहीं, और पैतृक डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं करना चाहिए करके फिर यहाँ भीलवाड़ा से स्टार्ट किया है। और चेतन जी अग्रवाल के साथ में ये अभी शुरुआत हुई है। उदयपुर संभाग का हमने अपना जो रीजनल ऑफिस है उदयपुर में खोला हुआ है। भीलवाड़ा चित्तौड़ और देवगढ़ के हमारे स्टोर्स खुल चुके हैं, और शॉर्टली हम राजसमंद उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ ये सब एरिया पूरा खोलने वाले हैं। तो हमारे पास 2 मॉड्यूल्स हैं, उसमें एक आता है सिटी मॉड्यूल जो कि आप देख रहे हैं 7,000 स्क्वायर फीट 8,000 स्क्वायर फीट का होता है। दूसरा छोटा होता है जो तहसील लेवल के लिए होता है, वो 1,500-2,000 स्क्वायर फीट का होता है। और तीसरा होता है अपना जो खुद का ब्रांड है IV, उसका एक छोटा सा स्टोर 1,000 स्क्वायर फीट भी खोलते हैं। और ये पूरा कॉन्सेप्ट फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट है, और वहाँ के लोकल लोगों को जोड़ के लोकल लोगों को जोड़ने के साथ में वहीं से इन्वेस्टमेंट करा के वहीं दुकान खोलते हैं, और जो भी कमाई होती है वो कमाई 50-50 हम परसेंट शेयर करते हैं। सर आज राजेंद्र रामलाल जाट पधारे, इसके साथ ही कुछ चर्चाएं भी हुई, और इन्होंने कहा, आपने भी वो बात रखी भाई, जो भी राजस्थान में प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंट आप सेवाओं में खर्च करें। बिल्कुल, जो अभी हमारा जो राजस्थान का टोटल प्लान है 7 संभाग बनाने का योजना है, जैसे उदयपुर हो गया, कोटा हो गया आपका, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, तो इस संभागों में से कम 200-250 दुकानें खुलेंगी। जो यहाँ से राजस्थान स्टेट से जो भी प्रॉफिट होगा उसका हम 10% के करीब बोला हुआ है, वो राजस्थान में ही जनसेवार्थ हम इन्वेस्ट करेंगे, जो कि चाहे हॉस्पिटल ले लो, चाहे गो सेवा में ले लो, चाहे जो पब्लिक के हित के लिए काम हो वैसे काम करें।